बिहार की राजनीति की बात करता हूँ, अगर बिहार की राजनीति देखोगे तो आपको 2000 से पहले जाना पड़ेगा लालू सिस्टम में। लालू सिस्टम में क्या किया था उसने कि मुस्लिम और यादव यानी अपर कास्ट को और लोअर कास्ट को छोड़कर जो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रखा था, जो छोटे क्लास का मिडिल क्लास को छोड़ दिया, मिडिल क्लास को इतने मजबूर कर दिया कि बिहार का जनता को बिहार से बाहर जाना पड़ा। ये जो बिहारी आज बिहार से बाहर हैं वो आज नहीं गए हैं, वो 1980 से 1985 से वो बिहार से बाहर है। क्यों? क्योंकि आज वो स्थिति है कि आज वहाँ का जनता 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे खुलेआम चौड़े होकर बाहर रास्ते में खा सकते, बैठ सकते, गप्पे लड़ा सकते। वो 1980s में 1985 में 7 बजते ही अंधेरा बजते ही आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पता ही नहीं चलता कौन आकर आपका गले ले मतलब उड़ा ले, वो स्थिति थी। आज मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो दिन भूले नहीं है बिहार का जनता ने, जब ये नेपाल का जो कोसी नदी है, गंडक है, करनाली है, शारदा है, बागमती है, कमला है, वो जब नदी आती थी ना तो बाढ़ लेकर पूरा का पूरा जमीन खा जाती, घर बेगा कर ले जाती थी। और यही बीजेपी जेडीयू का गठबंधन सरकार आया 2005 में और लगातार एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार लगातार एक के बाद एक डैम बनाकर वो पानी को रोका, और रोकने के कारण किसानों का खेत का जो फसल होती थी वो बग नहीं रहा। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा मकई का उत्पादन बिहार करता है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आम और लीची बिहार देता है, और ये बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन किया। मैं वो दिन का भूला नहीं हूँ जब लालू यादव क्या कहते थे, बिहार का जब पानी आता था तो कहते था माता गंगा जी स्वयं चलकर पैदल आपके प्रसाद देने आया है, प्रसाद ग्रहण कीजिए। भाई साहब एक काम करते हैं, जो उत्तराखंड में गंगोत्री है और यमुनोत्री है ना, वो सीधा का सीधा एक बैरेज बनाकर लालू जी के बंगले में डाल देते हैं और वहाँ का बाढ़ चले जाए, पानी पता तो चले कि बाढ़ क्या होता है, पता तो चले कि आपके घर के संपत्ति जाए, आपके घर में खाने के लिए दो वक्त की रोटी ना हो तो पता चलेगा कि क्या होता है प्रसाद लेना। और यही लालू प्रसाद यादव है कि जब हेलीकॉप्टर में ना बाढ़ आती थी तो हेलीकॉप्टर में घूमता था और उसमें से फेंकता था ऊपर से, देखो ऊपर से एक चावल का बोरा, एक चूरा का बोरा फेंकते थे और लोग हजारों लोग ऐसे दौड़ कर आते थे कि भैया एक दाना मिल जाए खाने के लिए, भूखे प्यासे बिहार का जनता का पैसा जो लूट कर तुमने क्या बोलते हैं हजारों करोड़ का जो प्रॉपर्टी किया था वो पैसा बिहार का जनता आज उसने दे दिया, तुम आज जिस जेल का उद्घाटन किया उसी जेल में आज सड़ रहे हो। अब एक और चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अचानक ऐसा क्या आन पड़ा कि आप जब दोषी हो गए जेल जाना पड़ा तो आप अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपनी अनपढ़ गवार श्रीमती को दे दिया, राबड़ी यादव अंगूठा छाप को दे दिया। अब एक और चीज़ बताइए, जो आप कह रहे कि बिहार में एक युवा नेता है 29 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बन गया तेजस्विनी, एक बात बताओ जिस घर में दो मुख्यमंत्री हो श्रीमती राबड़ी देवी श्रीमान लालू प्रसाद यादव, क्या उस घर का बेटा को दुनिया भर का ऐश्वर्य मिला होगा, दुनिया से बड़े अच्छे कॉलेज में नाम लिखा सकता है, स्कूल में पढ़ा, ऐसा क्या स्थिति आन पड़ी कि आपका बड़ा बेटा 8वीं फेल है, छोटा बेटा 10वीं फेल है, क्यों, आपका क्या हैसियत है पहले ये बताओ, तुम्हारा क्या हैसियत है, तुमने क्या कर रखा है, ना 10वीं पास कर पके ना 8वीं पास कर पके और तुम कहते हो युवा नेता, कैसा युवा नेता सर, तुम्हारा औकात क्या है, वंशवाद जातिवाद यही है तुम्हारा औकात, यही है ना, 5-10 साल तुम्हारी माँ ने शासन किया 1995 से 2005 तक, रोड पूरा का पूरा फूटा टूटा पड़ा है, स्कूल का कोई नामो निशान नहीं है, वही बिहार था जब आपका एक जब महिला ना सुबह का 4 बजे इतना बड़ा घूंघट डालकर और पिछवाड़ा इतना बड़ा दिखाकर जाना पड़ता था सुबह 4 बजे कि भैया हमें उजाला हो जाए तो शर्म ना आ जाए कि कोई मेरे को देख ना ले शौचालय करते हुए, ये मोदी सरकार है जिसने 35 लाख शौचालय सिर्फ बिहार में दिया है, आज वहाँ की बिहार की माँ बेटियों की इज्जत किसने बचाए, मोदी सरकार ने, बीजेपी और जेडीयू सरकार ने, लालू यादव का वो महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी शौचालय नहीं दिया, लोग वहाँ पे तरसते थे कि भैया शाम को दिन भर तो सुसु आए बाथरूम आए तो दिन भर चेपना पड़ता था कि भैया कैसे जाओ बाहर खुले में, सुबह या रात को जाते थे वो दिन भर क्या करते थे, ये सारा का सारा विकास नहीं तो क्या, आज कहते हो कि बिहार में रोजगार नहीं है, एक बात बताओ बिहार का जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 90% अच्छे जो पढ़े लिखे हैं वो सारे के सारे बाहर आते हैं यूपीएससी एसएससी के देने, आप बिजनेस स्टार्टअप नहीं करोगे, आप खुद का स्टार्टअप नहीं करोगे तो वो कहाँ से आएगा रोजगार, आप बाहर निकलते क्यों हो,
बाहर इसीलिए निकल रहे हो ना एसएससी का यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, अपनी खुद की स्टार्टअप करो। मोदी सरकार ने मुद्रा योजना दिया है वो करो, नहीं करेंगे बाहर निकलेंगे। और जो पहले से जॉब कर रहे हैं वो आज के नहीं है, 1985 से 80 में जो लालू ने जंगल राज किया है। एक और लालू प्रसाद यादव का एक सबसे बड़ा गलती 2008 में किया था, तत्कालीन रेलवे मंत्री था, उसने क्या गलती किया था कि रेलवे में जब नौकरियां खुली थी तो वो महाराष्ट्र का जो नौकरी है रेलवे में वो महाराष्ट्र का टेंडर महाराष्ट्र में आना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं दिया, उसने कहाँ टेंडर दिया, बिहार में दिया, महाराष्ट्र का नौकरी बिहार में दे दिया। और इस वजह से तत्कालीन जो महाराष्ट्र का जो अभी राज ठाकरे है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक लेटर लिखा, लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेलवे मंत्री था, उसने बोला कि जो महाराष्ट्र का युवा का नौकरी है वो टेंडर, कम से कम टेंडर दो कि महाराष्ट्र में टेंडर दो और वहाँ का लोगों को रोजगार दो। उसने नहीं माना और उसका भुगतान वो गरीब जो महाराष्ट्र में मुंबई में नासिक में पुणे में जो गोलगप्पे बेच रहे थे जो गरीब थे उनको पीट पीट कर खेदाड़ा गया वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का वो राज ठाकरे के साथ तमाम गुंडे में, इसका जिम्मेदार कौन लेगा, ये लालू यादव नहीं तो कौन है। इसी ने किया था ना कि एक जिसका जिस राज्य का जिस नौकरी है उसको दे दो ना, बिहार को नया नौकरी देते। तुमने ठेका लेकर रखा है कि हरियाणा वाला का नौकरी तुम बिहार वाले को दोगे, तमिल वाला का तुम बिहार वाले को, तुमने ठेका ले रखा है। तुम रेलवे मंत्री हो जो रेलवे में जो जिसका जो हक है उसी को दोगे ना, महाराष्ट्र का नौकरी महाराष्ट्र को देते तो जो तमाम महाराष्ट्र में जो लोग गरीब थे उसको पीट कर खिदाड़ा तो नहीं जाता ना, तो इसका जिम्मेदार भी तो तुम ही हो। तो वो बात नहीं करेंगे आज के, तो विकास नहीं है। एक क्या नाम है प्रशांत किशोर या पता नहीं क्या, जो आईटी सेल में सबको बीजेपी को आरजेडी को जेडीयू को आम आदमी पार्टी को सबको आईटी सेल के थ्रू, तो वो आता है कहते हैं कि लालू से कंपेयर मत करो, क्या बोलते हैं, विकास नहीं हुआ। 1995 का बिहार भी देख लो सर, भूला नहीं है देश का, बिहार का जनता ने भूला नहीं है किस तरीके से जंगल राज था, आज विकास हुआ है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिहार का जनता से बोलना चाहूँगा, यदि नीतीश और बीजेपी सुशील मोदी ने अगर विकास किया है तो विकास के नाम पर वोट दीजिए। आज एक और युवा नेता जाता है, तथाकथित युवा नेता जाता है, क्या नाम है, कन्हैया कुमार, अपने आप को बोलते हैं कि युवा नेता। अब देखिए उनका जनगणमन यात्रा कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्सर से स्टार्ट होता है। और क्या बक्सर में एक बी आर अम्बेडकर का प्रतिमा है, उसमें माल्यार्पण नहीं करता है, देखिएगा क्रोनोलॉजिकल माल्यार्पण नहीं करता है। और दूसरा गलती क्या करता है कि भारत माता का जय बोलता है उसका उसका पूरा आंदोलन में, एक विशेष कम्युनिटी को वो समर्थन दे रहा है और विशेष कम्युनिटी कहते हैं कि भारत माता का जय हम नहीं बोलेंगे, एक विशेष कम्युनिटी को वो समर्थन करता है और वो विशेष कम्युनिटी बी आर अम्बेडकर को भगवान तरीके पूछते हैं और उनकी प्रतिभा पर माला नहीं डालते हैं। और वो इसी का परिणाम आरा में दिखा गया, बक्सर में उसने दो गलती किया, और जब आरा में उसने तीसरे दिन जब आंदोलन स्टार्ट किया तो ये दो गढ़ तथा कथित कन्हैया कुमार का जो सपोर्टर जो विरोधी कर रहे थे उन्होंने इस पर अंडे टमाटर बरसाना स्टार्ट किया था। तुमने बी आर अम्बेडकर के ऊपर प्रतिमा में माला नहीं अर्पण किया, तुमने भारत माता का जय क्यों लगाया अपना संसद में, ये आरा छपरा अब गए किशनगंज में हाल ही फिलहाल में वहाँ पर भी दिखने को मिलेंगे आपको, ये कोई और नहीं कर रहा, ये तीन लोग कर रहे, एक तो ये था आदिवासी जनजाति एससी ओबीसी वाले और एक विशेष कम्युनिटी वाले और तीसरा ये राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वनी और तेज प्रताप। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है, उनका डर है कि जो मेरा वोट बैंक है यादव और मुस्लिम वोट बैंक, कहीं वो कन्हैया कुमार ना खींच लें, कहीं वो उनके पास ना चले जाए, इसीलिए ये तीन चल रहा है वहाँ पे। आज जो हो रहा है कन्हैया कुमार के ऊपर वो कुछ और नहीं है, तथाकथित है, वो पूरा का पूरा क्रोनोलॉजिकल एक स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। उन्होंने केजरीवाल जी ने जो ये किया अच्छा किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, दिल्ली की जनता इतनी अच्छी इतनी प्यारी जनता है, उन्होंने यानी केजरीवाल को चुन करके उनका जो 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 उनका टाइम था जो उनका वक्त था उसको जो है ना उसको अच्छा किया दिल्ली की जनता ने उनको वोट दे करके, वेरी गुड सी एम है वो, तो जो है ना पी एम बनने लायक हैं, उनकी सीट जो है ना छोटी है सी एम की, वो तो जो भारत का सपना गांधी जी ने देखा था अब वो जहाँ केजरीवाल पूरा कर रहे हैं उसको, गांधी जी के सपने को। तो पहले उन्होंने ये विषय क्यों नहीं उठाया, अभी ही क्यों उठाया सुंदरकांड पाठ करने का, ये ये ये
ये एक्चुअली वो भी तो हिंदू हैं, वो भी तो हनुमान चालीसा कुछ भी अपने लिए जहाँ ना उनके यानी उनके लिए भी जायज़ है ना कुछ भी, किन ये जहाँ बीजेपी से या बीजेपी से या वो जहाँ बोलेंगे परमिशन लेंगे क्या कुछ भी करने के लिए, वो भी तो हिंदू हैं खुद।